लंदन के इस ईवीएम हेडफोन की इस तस्वीर ने देश की सियासत में कल हड़कंप मचा दिया। अमेरिका से लंदन पत्रकारों से स्काइप के जरिए बात करते हुए साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने दावा किया कि गोपीनाथ मुंडे ईवीएम हैकिंग के बारे में जानते थे और उसका खुलासा करने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच उनके भतीजे धनंजय मुंडे ने एक तो रॉ से या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। And with our technology or with our algorithm which we built, they don't need that. All they need is a gene modulator for which transmit data at a very low frequency, maybe 7 hertz to 390 hertz, which is a military grade frequency. And the results were completely opposite. What was supposed to go in favor of BJP, it turned out to be in favor of Aam Aadmi Party. Otherwise, there would have been a history where BJP would have wiped the entire 70 seats. The entire 70 seats in Delhi. तो देखते रहिए खास खबर एमएनएस दिल्ली के साथ। एमएनएस दिल्ली खबर देखने के लिए आज फ्लैश